नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमी के कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि आपको बताया, मोदी सरकार ने एक अभी नई शिक्षा नीति लागू की है, तो नई शिक्षा नीति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारा आज की जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उस पर हम विचार करेंगे, क्या क्या बदलाव किए गए हैं या क्या क्या बदलाव किए जाने हैं नई शिक्षा नीति में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में हुआ बड़ा बदलाव। 34 साल बाद शिक्षा नीति में हुआ बदलाव। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, यानी कि जो 2020 में नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है उससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके बाद 6 साल बाद 1992 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। 1992 में क्या किया था, कुछ संशोधन किए गए थे इसमें। नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी। यानी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या तय किया गया है कि जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उन्हें मातृभाषा और स्थानीय भाषा का प्रयोग करके शिक्षा दी जाएगी। 6वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब यह है कि अब 6वीं कक्षा के बाद बच्चों को ये शिक्षा भी दी जाएगी कि उन्हें व्यवसाय किस प्रकार से करना है या व्यवसाय के बारे में जानकारियां दी जाएगी। वोकेशनल कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जिसमें इसके अलावा आर्ट और म्यूजिक पर जोर दिया जाएगा। वोकेशनल कोर्स भी शुरू किए जाएंगे इसके साथ साथ। अब एमफिल नहीं करना होगा, यानी नई शिक्षा नीति के तहत क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत हमें एमफिल नहीं करना पड़ेगा और एमए के बाद सीधे विद्यार्थी पीएचडी कर सकेंगे। एचआरडी जो मिनिस्ट्री थी, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जैसा कि हमारा अभी एचआरडी मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल, वो वर्तमान में हमारे क्या है, एचआरडी मिनिस्टर हैं। उन्हें अब यानी कि शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया है, यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय जो था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अब ग्रेजुएशन के बाद जो ग्रेजुएशन होगी आपकी वो 3-4 वर्ष की होगी, 3 से 4 वर्ष की होगी, जिसमें पहली वर्ष में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरी वर्ष में डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरी वर्ष में आपको डिग्री दी जाएगी। यदि आपको इसके अलावा हायर एजुकेशन चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन नहीं करेंगे उनके लिए पहली वर्ष में सर्टिफिकेट, दूसरी वर्ष में डिप्लोमा, तीसरी वर्ष में डिग्री, और जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करेंगे उन्हें 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो उसके बाद जिसमें 1 साल की एमए होगी, यानी उसके बाद वो केवल किसमें 1 साल में उनकी एमए हो जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएँ जो हैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर में परीक्षा होंगी तथा स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। यानी पहले हमारा क्या होता था, पहले हमारा जो है 10+2 होता था, क्या होता था, पहले हमारा 10+2 होता था, लेकिन अब क्या है, ये पांचवा जो अंक है या पांच जो है उसमें प्राइमरी की 3 क्लासें ली जाएंगी, प्री प्राइमरी, जिसमें प्री प्राइमरी 3 क्लास तक जैसे यूकेजी नर्सरी जो होता है वो मिला के, और फर्स्ट प्लस सेकेंड मिलेंगे इनमें 3 में। इसमें आपके हो जाएंगे 3, 4 और 5 क्लास तक आ जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा 6, 7, 8 तक, और 4 में हो जाएगा आपका 9 से लेके 12 तक। और नई शिक्षा नीति के तहत क्या होगा, आपको जो जैसे हमारी जो बेसिक शिक्षा थी उसमें 10 तक जो हमारा जो सिलेबस रहता था वो कॉमन रहता था, अनिवार्य रूप से रहता था, लेकिन जो हमारा आप सिलेबस है वो 9 से ही आप विषय चूज कर सकते हो, यानी कि आपको किस विषय से तैयारी करनी है। जैसे कि हम वर्तमान में 12th यानी कि 11th में जब एडमिशन लेते हैं तब हमारे सब्जेक्ट चेंज होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत आपके सब्जेक्ट 9 से भी बदले जा सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत छात्र एक कोर्स के अतिरिक्त दूसरा अन्य कोर्स भी कर सकेंगे। जैसे कि मान के चलो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो या डिप्लोमा कोई कर रहे हो,
यदि आपका मन है कि हमें म्यूजिक भी करना है तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, ले सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रथम सब्जेक्ट से आप जो कर रहे हो उसके उसके लिए एक निश्चित अवधि के लिए आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, बाद में उसे भी आप कर सकते हो। वर्तमान में क्या होता है, जब हमारी पढ़ाई किसी कारण बस रुक जाती है तो हमारा जो साल है वो भी बर्बाद हो जाता है, और लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत क्या होगा, नई शिक्षा नीति के तहत आप एक से अधिक कोर्स भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले के लिए कॉमन टेस्ट की व्यवस्था होगी, जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आपके, जैसे आपने देखा होगा बीएड वगैरह के इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वैसे ही अब क्या होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले के लिए आपको एक कॉमन टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी, कॉमन टेस्ट देना होगा। और जीडीपी का यानी कि पहले जीडीपी का जो शिक्षा विभाग में या शिक्षा के लिए खर्चा तैयार, यानी जीडीपी का जो खर्चा दिया जाता था जीडीपी से 4.43% वो अब बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, यानी अब शिक्षा नीति के लिए 6% जीडीपी का भाग शिक्षा में लगाया जाएगा, जो कि पहले कितना था 4.43 था। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो शिक्षा नीति है आपकी उसमें 60 संशोधन तय किए गए हैं, जिसमें से आपके 2020 में लगभग 20 संशोधन किए जाएंगे, उसके बाद 22 से लेके आपके 24 तक आपके 23 संशोधन और किए जाएंगे, और जो बचे हुए हैं वो 2035 तक, यानी कि नई शिक्षा नीति का जो टारगेट है 2035 तक का टारगेट है, तब तक ये नियमित रूप से और चरणबद्ध रूप से अपने अपने जो संशोधन है वो करते जाएंगे और जो नियम है वो लागू करते जाएंगे। और आपने जैसे सुना होगा कुछ वीडियोज में या कुछ लोगों से सुना होगा कि बोर्ड खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 10th और 12th का बोर्ड तो वो रहना ही है, और इस वर्ष केवल 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 प्री प्राइमरी वाला जो सिस्टम है, प्री प्राइमरी प्री प्राइमरी वाला जो सिस्टम है बस केवल वो ही छोड़ा जाएगा, बाकी आपके धीमे धीमे जोड़ते जाएंगे, और जो 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम है वो तो आपको देरी होगी लेकिन सेमेस्टर वाइज आगे से होगी, इसलिए भ्रमित ना हो कि बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहा है तो हम पढ़ाई ना करें, तो आप अपनी पढ़ाई पर जोर देते रहें। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि जो नई शिक्षा नीति में उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो नया अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वो जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से ही है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है तो उसको भी आप फॉलो ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आपको नई शिक्षा नीति से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो उसकी पीडीएफ की जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं।